नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सनी राठौर, आपका होस्ट B2BStreets.com से। और आज हम लोग खड़े हैं फूड इंडस्ट्री के जाने माने नाम, जिनको किसी पहचान की जरूरत नहीं है, इनसाइक्लोपीडिया ऑफ फूड इंडस्ट्री, डॉक्टर गिरीश गुप्ता जी के साथ, जो कि फाउंडर एंड डायरेक्टर हैं फूडीज ग्रुप के। वेलकम सर। थैंक यू सर। हमारी ऑडियंस को थोड़ा सा अपनी जर्नी के बारे में बताइए कि आपने कब अपनी जर्नी स्टार्ट करी और किस तरह से आपने जो ग्रुप्स हैं, जो बिजनेसमैन हैं, उनको हेल्प किया इस कंसल्टेंसी के थ्रू। मेरा नाम डॉक्टर गिरीश गुप्ता है। मैंने एमएससी फूड टेक किया, पीएचडी किया, 33 ईयर मेरे को सेम इंडस्ट्रीज में हो गया। डिफरेंट डिफरेंट टाइप मैंने प्रोजेक्ट किए हुए हैं, एनी टाइप ऑफ फूड। मैंने 20 ईयर जॉब किया है और 13 ईयर से मैं अपना फूड इंडस्ट्रीज में कंसल्टेंसी दे रहा हूँ। उसमें मेरी जो मैंने जर्नी स्टार्ट की, मैं डीएस ग्रुप में था, हल्दीराम में था, आपका कैच में, इसमें आपका जो स्टैंडर्ड्स में था, कोक में था, पेप्सी में था। उसके बाद मैं जब अपना जर्नी स्टार्ट किया 13 साल से, मेरी 3 कंपनी है, फूडीज ग्रुप कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड, इसमें मैं टंकी फूड प्रोजेक्ट करता हूँ। दूसरी मेरी कंपनी है सस्ती फूड इक्विपमेंट एक्जिम प्राइवेट लिमिटेड, इसके अंदर मैं अपना बाहर से मैं इम्पोर्ट करता हूँ, एक्सपोर्ट करता हूँ। फूड मशीनरी जो है चाइना से, यूरोप से, काफी जगह से आती है। मैं 5 कंपनी का पैन इंडिया डिस्ट्रीब्यूटर्स हूँ। उसमें हम मल्टी एड भी स्टार्ट किया है अभी, एक ताइवान का। ये सारा काम कर रहे हैं। बालाजी फूड में अपना सीजनिंग्स का काम है और केमिकल्स का काम है, जो हम फूड इंडस्ट्री में यूज करते हैं जी। अभी लेटेस्ट जो हमने बहुत सारे प्लान किए हैं, किसलिए स्नैक्स फूड का है, वो 100 करोड़ का प्रोजेक्ट था जो अपना वहां पर रनिंग कर रहा है, अपना नॉर्थ ईस्ट के अंदर नंबर 1 है। उसके जो MD है संदीप बजाज है, किसलिए फूड स्नैक्स प्राइवेट लिमिटेड। दूसरा है अपना ट्रिनिटी फूड्स जो है अपना दिल्ली के अंदर ही है, अभी उन्होंने अपना हरियाणा में लगाया और राई में, उसमें भी बहुत सक्सेस किया। वो न्यू 50 करोड़ का उनका इन्वेस्टमेंट होगा, न्यू 100+ जो उनका टर्नओवर होगा जी। दूसरा 2M वाला लेटेस्ट सक्सेस कहानी है कि उन्होंने मेरे पास आए थे, एक उन्होंने स्टार्ट किया फॉक्स नट्स है, रोस्टेड स्नैक्स के अंदर है, बहुत अच्छा कर रहे हैं, 250 करोड़ का है। एक मैंने बिस्किट का प्लांट लगाया करीब अबाउट, उसमें 60-62 करोड़ रुपये हमने खर्च किया और निबाउट उनका भी अच्छा टर्नओवर है, निबाउट 150 करोड़ का। रिचलाइट और बिस्किट का नाम भी मैंने दिया, सब कुछ मैंने ही किया था उनका पूरा का पूरा। मिस्टर मखाना है जो चनी खैनी वाले हैं, वो भी मैंने स्टार्ट किया। और बहुत सारे नोर हैं जो मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट किए हुए हैं, निबाउट 500 प्रोजेक्ट किए हुए हैं, जिसमें से 100-150 प्रोजेक्ट मैंने किए हैं। 3 स्क्रू एक्सट्रूडर जो इंडिया में रोस्टेड स्नैक्स है, जिसकी इसमें मार्जिन बहुत अच्छे हैं, निबाउट कोई भी फूड के अंदर इतना मार्जिन नहीं है जो रोस्टेड स्नैक्स के अंदर है, क्योंकि उसमें फैट होता नहीं है, लेस फैट होता है तो प्रोडक्ट की कॉस्ट कम आती है। तो बहुत सारे स्नैक्स के प्लांट लगाए हुए हैं, चाइना से इम्पोर्ट करते हैं बहुत सारे। अभी एक अभी लेटेस्ट प्लांट लगाया है जो हम चिक्की बनाते हैं, उसी में एनर्जी बार बनाते हैं जी। ये सारी चीजें हम उसमें बना रहे हैं अभी। तो बेसिकली हम जो गाइड करते हैं, जैसे हमारे पास कोई भी बंदा आता है कि भाई उसके पास कितना पैसा है, कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, उसका फूड का एक्सपीरियंस क्या है, अगर फूड का एक्सपीरियंस नहीं है तो उस हिसाब से छोटा स्टार्ट कराते हैं, जिसका बड़ा बिजनेस है फूड का एक्सपीरियंस है। डिस्ट्रीब्यूशन बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जो सुपर स्टॉकीज होते हैं और कई ट्रेड में काम कर रहे होते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि भाई इसका माल बेच रहे हैं हल्दीराम का इनका, और हमारा टर्नओवर 2-3 करोड़ महीने का है। तो उनके लिए बड़े बड़े प्लांट भी लगाए, जैसे राजेश ट्रिनिटी फूड वाला है, उनका यही था कि वो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क मालन था और बहुत अच्छा कर रहा है। तो उसके अंदर गवर्नमेंट ने बहुत सारी सब्सिडियां दे रखी हैं, या अगर फूड पार्क में लगाते हैं तो फूड पार्क क्लस्टर होता है, फूड मेगा पार्क होता है, उसमें अलग अलग सब्सिडियां हैं। कुछ जो नोटिफाइड एरिया में 50% की भी सब्सिडी है, अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, अगर 10 करोड़ करते हैं तो 5 करोड़ मिलता है उसके अंदर, क्योंकि उसके अंदर लिमिट्स है। अभी कुछ सब्सिडियां आई हैं जो अभी टॉप करके है, उसको ब्रांड दिया टॉप, टोमेटो ऑनियन पोटैटो, क्योंकि ये 3 ऐसी नेसेसरी चीज है। इसके ऊपर गवर्नमेंट भी कई बार जो है, प्याज महंगा हो गया इसके ऊपर गिर गई, तो गवर्नमेंट ने कुछ स्टेट है, जैसे अपने यूपी को पोटैटो में लिया है, टोमेटो को अपना MP में लिया है, प्याज को अपना महाराष्ट्र में लिया है। तो उसके अंदर क्या है कि उन्होंने किया कि जो भी हम क्लस्टर बना के किसानों को ग्रो करेंगे, किसानों को अच्छा हम बीज देंगे, उनको ट्रेनिंग देंगे, उसके ऊपर गवर्नमेंट ने बोला कि हम 50% सब्सिडी देंगे जो आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, मैक्सिमम 50 करोड़, क्योंकि 50 करोड़ बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है। 100 करोड़ का प्रोजेक्ट, उससे जो किसान है, जो अभी इतनी प्रॉब्लम हो रही थी, तो उन्होंने मोदी ने बोला भी इस तरह करिए, तो उनके बहुत बढ़िया विजन है। और ये अभी जो स्कीम स्टार्ट हुई है 2019 जनवरी में स्टार्ट हुई है, तो इसका चल रहा है, मेरा एक अपना भी प्रोजेक्ट लग रहा है हाथरस में, जो हम उसके अंदर जा रहे हैं, चिप्स का करीब 12 करोड़ का है, जो हम संदीप बजाज हैं उनको हम बना के माल देंगे सारे का सारा। बहुत अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि वहां पर सब्सिडी भी है
और सब किसानों से मिले हैं, उनको कैसे ट्रेनिंग देनी है इजराइल से, क्योंकि जो ग्रोइंग की जो टेक्नोलॉजी है बेस्ट से बेस्ट हम कैसे कर सकते हैं, क्या सॉइल होनी चाहिए, वो इजराइल की बेस्ट टेक्नोलॉजी है। तो उसके लिए भी हमारा बात चल रहा है कि उनको ट्रेनिंग दें, ये हम बीज दें और पोटैटो वाला करें सारा का सारा। और आई थिंक हम अगस्त में उसको स्टार्ट भी कर देंगे। वो जितना भी हमारा बनेगा माल वो संदीप बजाज को, जो उनकी कंपनी है, उन्हीं के साथ हमारा वो उनके साथ ब्रांडिंग का एग्रीमेंट हुआ है, उन्हीं के ब्रांड को हम पूरा का पूरा देंगे, उनकी मार्केटिंग टीम है सारे का सारा, ये हम करने जा रहे हैं सारे के सारे। ओके, तो सर हमारी ऑडियंस थोड़ा जानना चाहेगी, अगर एक लिमिटेड बजट है और वो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में अपनी एक बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं, तो आपकी तरफ से उनको क्या सजेशन रहेगा? बेसिकली क्या, जो आदमी हमारे पास एंटरप्रेन्योर आता है कि भाई मेरे पास इतना पैसा है, तो हम पहले पूछते हैं कि आपको आपके पास लैंड है नहीं है, रेंटेड में जाना है, कितना पैसा इन्वेस्टमेंट शुरू में करना है। अगर कोई जो प्रोडक्ट लगाना चाहता है वो फूड इंडस्ट्री में है ऑलरेडी, तो हम उसको उसी हिसाब से बताते हैं इतने इतने बजट का प्रोजेक्ट कर लीजिए। जिनके पास पूंजी कम है उनको हम बताते हैं ये बजट का, क्योंकि नमकीन का काम है, छोटे बजट से भी स्टार्ट हो, 10 लाख से भी स्टार्ट हो सकता है, 10 करोड़ में भी हो सकता है। तो मेन क्या है कि जिसने छोटा सा प्रोजेक्ट स्टार्ट किया वो डायरेक्ट रिटेलर को लेकर जो बीच में मार्जिन है, क्योंकि इसमें जो मार्केट के मार्जिन है 35% मार्जिन ऐसे ही चले जाते हैं, जो डिस्ट्रीब्यूशन सुपर स्टॉकेज में चले जाते हैं, उसको बोलते हैं तू डायरेक्ट रिटेलर को दे, उसको 25% का मार्जिन दे, क्योंकि इतने छोटी पूंजी लगाइए थोड़ा सा जो मिलेगा उसके साथ में, और जो बड़ा लगाते हैं वो डिस्ट्रीब्यूशन सीजन के अंदर करते हैं और बड़ा जाता है सुपर स्टॉकेज, क्योंकि पैन इंडिया अगर मार्केट करना है तो सुपर स्टॉकेज में जाना पड़ेगा, क्योंकि एक ट्रक बना पूरा का पूरा चला गया। तो इस तरह से हम पूरा गाइड करते हैं, उसको फाइनेंस में मैनेज करते हैं, उसको कोई भी प्रॉब्लम है अपने पास पूरी टीम से, उसमें फूड टेक्नोलॉजिस्ट हैं, अपने इंजीनियर्स हैं, हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं जी हमारे को सेल्फ लाइफ नहीं आ रहा है प्रोडक्ट का, स्वीट्स है जो भी है, तो हम उनको भी प्रोवाइड कराते हैं, वो चाहे छोटा हो बड़ा, हमारे पास अगर छोटा भी कोई जो छोटा सा ठेला भी लगाता है कि भाई मेरे को ये प्रॉब्लम आती है, तो उसको भी हम गाइड करते हैं, ये नहीं कि हम बहुत बड़े हो गए, क्योंकि आदमी हमेशा जिंदगी भर लर्निंग करता है, उसकी कोई उम्र नहीं होती, और 100 साल में भी जब भी मतलब होता है, महाशय जी हैं, महाशय जी के 96 हो गए फिर भी अभी फैक्ट्री के लिए पूरा करते हैं। सही कहा सर आपने। तो सर दर्शकों को भी ये जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर गिरीश गुप्ता जी, इसीलिए इनको फूड इंडस्ट्री का इनसाइक्लोपीडिया कहा जाता है, इतनी सारी नॉलेज इन्हें है, इतना अच्छा एक्सपीरियंस इनको है फूड इंडस्ट्री में अपना बिजनेस सेटअप करने के लिए, या डॉक्टर गिरीश गुप्ता के बारे में अधिक से अधिक जानने के लिए आप लोग लॉग इन कर सकते हैं www.b2bstreet.com। टिल देन बाय बाय।